आप देख रहे हैं दखल न्यूज। शिवराज भले ही अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हों, लेकिन वो अपनी कॉमन मैन की छवि को बरकरार रखने की हर संभव कोशिश करते हैं। बीती रात वो भोपाल के रैन बसेरे में पहुंचे और लोगों से मुलाकात की। शिवराज सिंह चौहान भोपाल में समर्थकों के अलावा पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से दिन भर मुलाकातों में व्यस्त रहे। बीती रात वे अपने काफिले के साथ भोपाल की सड़कों पर निकल पड़े। शिवराज की गाड़ियों का काफिला सबसे पहले पुराने भोपाल के सुल्तानिया अस्पताल के सामने बने रैन बसेरा पहुंचा। यहां शिवराज ने पहले तो बाहर अलाव के पास बैठे लोगों से बात की और उसके बाद रैन बसेरे में रात गुजारने वाले लोगों से मुलाकात की। करीब 15 मिनट यहां रुकने के बाद शिवराज भोपाल के ही न्यू मार्केट इलाके में रैन बसेरा की ओर जाने लगे तो सुल्तानिया अस्पताल के बाहर एक शख्स ने उन्हें रोका और सेल्फी लेने की जिद करने लगा। शिवराज ने उसे निराश भी नहीं किया। करीब 10 मिनट बाद शिवराज रात में न्यू मार्केट स्थित रैन बसेरा पहुंचे और लोगों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। यहां रैन बसेरे में गुजारा करने वाले एक शख्स ने शिवराज को बताया कि वो बाहर से है और न्यू मार्केट में फुटपाथ पर सामान बेचता है और रात को यहीं रैन बसेरा में आकर सोता है। रैन बसेरों का दौरा करने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि वो व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं, क्योंकि रैन बसेरे में सबको जगह मिल रही है और सार्वजनिक जगहों पर अलाव भी जल रहे हैं। शिवराज ने कहा कि रैन बसेरों में जो प्रेम और स्नेह उन्हें मिला, वो इससे खुश हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कहा कि रैन बसेरों में जो अपनापन, स्नेह और आशीर्वाद मिलता है, उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अद्भुत, अविस्मरणीय प्रेम है। आप लोगों का इसके लिए हृदय से आभार। दरअसल मध्य प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ज़्यादातर शहरों में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। ठंड का सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जिनके पास खुद की छत नहीं, और ऐसे में सरकारी रैन बसेरा और जलता अलाव ही ठंड से बचने का उनका सहारा होता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।